हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम्स नोरसेट 5 के रिगार्डिंग। दोस्तों एम्स न्यू दिल्ली ने नोरसेट 5 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अब दोस्तों आगे जितने भी नोरसेट होंगे वो नोरसेट अब एम्स दो स्टेज में ले रहा है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। पहले आज से पहले जितने भी चार नोरसेट हुए हैं वो सभी स्टेज फर्स्ट एक सिंगल स्टेज में हुए हैं, यानी ओनली सिंगल पेपर होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था, इसमें कोई अदर स्टेज नहीं थी। इससे पहले जब कुछ साल पहले 2015 के पहले था वो, तब दो स्टेज में होता था। उसमें पहले एक रिटर्न एग्ज़ाम होता था और एक इंटरव्यू होता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरव्यू भी ग्रुप के लिए बंद कर दिए थे सारे। अब एम्स नया फॉर्मूला लेके आई है दो स्टेज का, स्टेज वन और स्टेज सेकंड। आरएस वाले आरएस आईएएस की तरह दो दो स्टेज में एग्जाम करवाने लग गई है। एम्स के भी, नॉरसेट के भी नर्सिंग वालों के लिए दो स्टेज में करवाएगी अब एम्स नॉरसेट का एग्जाम, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट क्या है और स्टेज सेकंड क्या है, स्टेज फर्स्ट के पेपर कैसा होगा, स्टेज सेकंड में क्या आएगा, स्टेज फर्स्ट कितने नंबर का होगा, स्टेज सेकंड कितने नंबर का होगा, स्टेज फर्स्ट का क्या रोल रहेगा स्टेज सेकंड में, उसके मेरिट में कुछ ऐड होंगे इसके मार्क्स या नहीं होंगे, उसकी मेरिट इस पे डिपेंड है या नहीं है, ये हम आगे बात करते हैं क्या है सिस्टम इसका। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम रखे गए हैं जो पहले रखते थे। पहले थे नोरसेट के बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी है तो पोस्ट बीएससी, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल में। इसके अलावा जनरल नर्सिंग वाला है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल में, और इसके अलावा 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है दोनों का। इसके अलावा एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा है, और इसका एप्लीकेशन फीस जनरल एंड ओबीसी के लिए 3,000 रुपये, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसके अंदर 2,400 रुपये रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस से भी 2,400 रुपये एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और जनरल एंड ओबीसी के लिए 3,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज सेकंड और स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट भी दे दिए इन लोगों ने, एग्ज़ाम डेट स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड के कब होंगे। स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, प्राइमरी एग्ज़ाम स्टेज फर्स्ट का वो होगा 17 सितंबर को, ठीक है, संडे को। और स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा, नोरसेट मेन एग्ज़ाम होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम ये डेट भी दे दी इन लोगों ने पहले ही। अब इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से कब भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों 5 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, और ये 25 अगस्त तक रहेंगे, 5 बजे तक, 5 अगस्त से 25 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म है, कोई ऑफलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी वो 26 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। उसमें यदि आपके कुछ करेक्शन करना हो, कोई गलत हो गया है डेटा वगैरह, तो आप इस करेक्शन कर सकते हैं इसके इस टाइम के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो, ये तो क्राइटेरिया वगैरह आप देख ही लेंगे, वो तो पहले जो थे सेम वही हैं। इसके अलावा जो ओबीसी वगैरह हैं उनके लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू करवाना है, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और जो पहले से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए एनओसी वगैरह आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करना है फॉर्म भरने से पहले ही। आपको इंटीमेशन देना है गवर्नमेंट को कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे को सिलेक्शन हो जाए, तो आप एनओसी देने की कृपा करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या इस पैटर्न होगा और क्या स्कीम है एग्जामिनेशन की, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न एंड स्कीम के अंदर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट प्राइमरी एग्जाम, स्टेज सेकंड नोरसेट मेन एग्जाम, दो एग्जाम करवाने लग गए हैं अब एम्स। जैसे IAS RS का एग्जाम होता है वैसे नोरसेट भी अब IAS RS की तरह एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का क्या रोल है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे,
कितनी मिनट्स में एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या है वो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ये ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ठीक है, ये ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम है, फर्स्ट स्टेज ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसका कहीं भी मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसको ओनली क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करोगे तो आप सेकेंड स्टेज में अपियर हो सकते हो, ठीक है। स्टेज इसमें साफ साफ लिखा है, स्टेज फर्स्ट इज नॉट विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट एंड रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे स्टेज सेकंड फर्स्ट में, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 80 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे और एप्टीट्यूड से रिलेटेड, यानी जो भी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर क्वेश्चन होंगे, और 80 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं SC ST OBC के लिए और जनरल के लिए, ये हैं। इसके अंदर यदि आप OBC और EWS के हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई करने के लिए, स्टेज सेकंड में जाने के लिए। और OBC के अंदर हो तो आप 45 नंबर क्वेश्चन, 45% आने चाहिए तो आप क्वालिफाई करोगे स्टेज सेकंड के लिए। और SC ST के हो तो आप 40% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये तो स्टेज फर्स्ट का रोल है ओनली क्वालिफाई, स्टेज फर्स्ट ओनली आपको क्वालिफाई करना है स्टेज सेकंड के लिए। ये क्वालिफाई नंबर है या मार्क्स हैं ये आने चाहिए आपको। तो स्टेज सेकंड के लिए लिस्ट कैसे तैयार करेंगे स्टेज फर्स्ट से, यानी स्टेज सेकंड में किस किस कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रख के एग्जाम में बैठाया जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई नंबर लाने के बाद में ये क्राइटेरिया ये ऐसे अपना रही है NORSET कि यदि आपकी सीट के अकॉर्डिंग, यदि एम्स में सीट जैसे हम एग्जाम्पल देख लें कि जैसे 1000 सीट है, तो उसका 5 गुना कैंडिडेट्स को, 5 गुना कैंडिडेट्स को स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज सेकेंड के एग्जाम के लिए। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन द स्टेज फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकेंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों को सीट से 5 गुना लोगों को स्टेज सेकेंड में बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं, अब स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। स्टेज सेकंड के अंदर 90 मिनट का पेपर होगा, स्टेज सेकंड भी 90 मिनट का पेपर होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, स्टेज सेकंड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, बट ये सारे के सारे नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, इसमें GK वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। स्टेज सेकंड के जो भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, 100 क्वेश्चन पूरे नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी है, और इसके भी क्वालिफाई मार्क्स हैं सेम वैसे ही क्राइटेरिया है EWS एंड OBC के लिए 50%, सॉरी EWS और जनरल के लिए 50% और OBC के लिए 45%, और इसके अलावा SC ST के लिए 40%, सेम क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। ये सिलेबस हो गया, और इसके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका 2 स्टेज में एग्ज़ाम है आपकी बार से, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट और सेकंड का यही रोल है, स्टेज फर्स्ट ओनली आपको क्वालिफाई करना है, स्टेज फर्स्ट आपको ओनली क्वालिफाई करना है। इसमें कुछ भी आपका नंबर वगैरह ऐड नहीं होगा सेकंड के अंदर, आपको जो क्राइटेरिया रखा है क्वालिफाई मार्क्स रखे हैं वो रखने हैं, बट उसी कैंडिडेट को सेकंड के स्टेज सेकंड में अपीयर होने का मौका मिलेगा जिसने क्वालिफाई कर लिया, और 5 गुना सीट के ओनली 5 गुना कैंडिडेट को ही लेके जाएंगे, 5 टाइम सीट से 5 टाइम कैंडिडेट को ही सेकंड में बैठाया जाएगा, सभी को नहीं बैठाया जाएगा, चाहे कितने भी क्वालिफाई कर लो, लेकिन ओनली जितनी सीट है उसके 5 गुना लोगों को ही स्टेज फर्स्ट में सेकेंड में बैठाया जाएगा, ठीक है। और जो पेपर का पैटर्न है वो अभी
एनक्लेक्स बेस्ड पेपर आता है, रेशनल बेस आ रहा है, नॉरसेट 4 से कंप्लीट रेशनल बेस कर दिया है, तो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।